अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास, टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 8। सो ओपन योर बुक्स एट द पेज नंबर 20। हियर द चैप्टर नंबर इज 8 एंड द टॉपिक इज फ्यूनरल प्रेयर, इट मींस नमाज़ा जनाजा। ओके, इन दिस चैप्टर यू विल गेट द ऑल डिटेल्स, ऑल इम्पॉर्टेंट डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूनरल प्रेयर। ओके, अ फ्यूनरल प्रेयर इज परफॉर्म्ड फॉर एवरी डेड मुस्लिम्स, इट मींस नमाज़ जनाजा है वो जो हर एक जिंदा इंसान जो वफात पा जाए उसके लिए नमाज जनाजा अदा की जाती है। इवन फॉर दोज इन्फेंट्स हु हैव लिव्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, इट मींस यहाँ तक के कोई बच्चा जो कि चंद सेकंड ही जिंदा रहा हो उसके लिए भी नमाज जनाजा अदा की जाती है। ओके, लेकिन जो बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं उनके लिए नमाज जनाजा अदा नहीं की जाती। Funeral prayer is a supplication for the forgiveness of the dead body. Funeral prayer यानी कि नमाज जनाजा जो है वो एक supplication है जो इंसान वफात पा गया उसके लिए मगफरत की एक दुआ है। Supplication means to bend on your knees and pray for the dead person. ओके, एक अल्लाह ताला के सामने झुकना और जो इंसान वफात पा गया उसकी मगफरत के लिए उसकी आसानियों के लिए दुआ करना। ओके, इट हैज़ नाइदर रुकू नॉर सजदा नॉर तशहुद, इट मींस फ्यूनरल प्रेयर में बाकी हमारी रेगुलर नमाज़ों की तरह फजर ज़ोहर असर जैसे हम रुकू करते हैं सजदा करते हैं तशहुद पढ़ते हैं उस तरह से कुछ भी ऐसा कोई एक्शन फ्यूनरल प्रेयर में नहीं है। जैसे कि एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं डेड बॉडी सामने पड़ी है, इमाम खड़ा है, उसके पीछे पूरी जमात है, इसी तरह से ही खड़े हुए सारी नमाज सिर्फ एक ही एक्शन है जो नमाज जनाजा में होता है। ओके, इसके अलावा हम रुकू में नहीं जाते, सजदा नहीं करते नमाज जनाजा में, इसके अलावा और कोई एक्शन नहीं होता। ओके, फ्यूनरल प्रेयर इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मुस्लिम्स ऑफ द नेबरहुड ऑफ द डेड पर्सन, इट मीन्स नमाज जनाजा जो है एक मुश्तरका जिम्मेदारी है जो इंसान वफात पा गया उसके हमसाए लोगों की कि वो नमाज जनाजा में शिरकत करें। इट इज़ कॉल्ड फ़र्ज कफाया, ये हमारा फ़र्ज कफाया है यानी कि हमारा एक दूसरे पे हक है कि एक मुसलमान का दूसरे पे हक है कि वो उसके दिन अगर वो वफात पा जाता है तो हम उसके नमाज जनाजा में शरीक हों उसकी मगफरत के लिए दुआ करें, इसका हमें सवाब मिलता है। विच मीन्स इफ सम ऑफ देम जॉइन इन देन द ऑब्लिगेशन इज डिस्चार्ज ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, इसका मतलब है कि अगर कोई भी हमसाए लोगों में से किसी ने भी अगर ये यानी कि ऑब्लिगेशन इज डिस्चार्ज यानी कि अगर किसी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की, फ़र्ज ऑब्लिगेशन मीन्स ये जो फ़र्ज है हमारा वो अदा हो गया है सबकी तरफ से, अगर कोई एक इंसान भी नमाज जनाजा में अपने हमसाए के अहले मोहल्ला अहले इलाका के में से जो भी कोई भी अगर नमाज जनाजा में शिरकत करता है तो वो सबकी तरफ से नुमाइंदगी कर देता है कि वो फ़र्ज एक फ़र्ज कफाया जो है वो अदा किया गया है। बट इफ़ नो वन ज्वाइन इन, अगर कोई भी शिरकत नहीं करता, एवरी रिलेटिव्स के अलावा बात हो रही है, रिलेटिव्स तो होते हैं जो डेड पर्सन उसकी फैमिली उसके रिलेटिव्स तो होंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही फ़र्ज कफाया इनके ये जो नेबरहुड में जो सारे लोग रहते हैं हमारे हमसाए हैं जो हमारे अहले इलाका हैं जिनसे हमारी जान पहचान होती है उनके बारे में बात हो रही है, उनका फ़र्ज जो है कि वो भी मुर्दा इंसान जो भी वफात पा गया है मुसलमान उसके नमाज जनाजा में शिरकत करें और उसके लिए मगफरत की दुआ करें, ये हमारा फ़र्ज कफाया है। बट इफ़ नो वन ज्वाइन इन, अगर उनमें से कोई भी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करता, एवरी वन इन द लोकेलिटी विल बी कंसीडर सिनफुल बिफोर अल्लाह, तो जो भी उस इलाके के सारे लोग हैं अल्लाह ताला के सामने गुनाहगार ही अल्लाह ताला के सामने गुनाहगार ही पेश होंगे कि उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया। ओके, और स्टूडेंट्स आप लोगों के एक और इन्फॉर्मेशन के लिए, यू कैन सी इन द पिक्चर, आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल दोनों डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, मेल के बिल्कुल सामने इमाम खड़ा हुआ है और फीमेल के थोड़ा सा पीछे आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल फेस टू फेस है मेल के बिल्कुल इमाम, और महरम ना महरम का इशू आता है ना तो इसलिए फ़ीमेल के चेहरे पर नज़र ना पड़े, वैसे ढांपा हुआ भी होता है तो
इमाम थोड़ा सा हट के पीछे सेंटर में इनके खड़ा, जहाँ पे फीमेल के हाथ होंगे, जैसे हम नमाज़ पढ़ती हैं फीमेल्स तो हाथ रखते हैं ना अपने, तो वहाँ पे बाजू जहाँ बांधते हैं, तो उस जगह पे इनके यू कैन सी इन द पिक्चर जैसे लाइन्स ड्रॉ की गई हैं आप लोगों को समझाने के लिए, आप इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूनरल प्रेयर्स इज ऑफर्ड इन ऑग्रीगेशन लेड बाय इमाम। ऑग्रीगेशन मीन्स जमात, लेड बाय इमाम यानी कि इमाम पढ़ाता है, इमाम से जमात जनाजा जो है वो इमाम की, एक इमाम की ज़रिए एक जमात की सूरत में ही अदा की जाती है। हु स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ डेड बॉडी क्लोज टू इट्स चेस्ट, जो कि मुर्दा इंसान के यानी कि सीने के सामने खड़े होते हैं, जैसे कि आप लास्ट पिक्चर में आपको मैंने दिखाया ना, आपको लोगों को बताया था कि बिल्कुल क्लोज टू इट्स चेस्ट वो खड़े हैं इमाम और वो नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। इमाम स्टार्ट्स द प्रे इन द यूजुअल मैनर बाय सेइंग तकबीर, यानी कि आम जो नमाज पढ़ने का तरीका है उस नमाज उसी तरह से अल्लाहु अकबर तकबीर कहकर नमाज शुरू की जाती है, नमाज जनाजा ऐसे ही स्टार्ट की जाती है। देयर आर फोर तकबीर्स इन द फ्यूनरल प्रेयर दैट इट मीन्स नमाज जनाजा में चार तकबीरें होती हैं। नो एक्स्ट्रा सप्लिकेशन इज़ नीडेड आफ्टर फ्यूनरल प्रेयर, इसका मतलब है नमाज जनाजा के बाद कोई एक्स्ट्रा कुछ और दुआ की कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। सप्लिकेशन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट सप्लिकेशन मीन्स द प्रे टू गॉड फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ डेड पर्सन। ये यहाँ बिल्कुल इसके अलावा नमाज जनाजा के अलावा और ख़ास दुआ करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंस देयर इज़ प्रेयर इट सेल्फ इज़ सप्लिकेशन फॉर द डेड पर्सन, इट मीन्स यानी कि जो नमाज तनाजा हम अदा कर रहे हैं यही उस इंसान के लिए, यही उस इंसान के लिए मगफरत की दुआ है। इसीलिए नमाज जनाजा में शिरकत को अहमियत दी गई है, इसे फ़र्ज़ किफ़ाया कहा गया है। नमाज जनाजा में शिरकत के बाद हम जो मगफरत की दुआ उसमें करते हैं, उसके बाद कुछ और करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं रहती। ओके, फॉलोइंग द डेड बॉडी टू द ग्रेव एंड टेक पार्ट इन फ्यूनरल प्रेयर रिगार्डेड एज ड्यूटी विच वन बिलीवर ओज टू अनदर, इट मीन्स डेड बॉडी को यानी कि डेड बॉडी को जनाजे को कब्र तक लेके जाना और यानी कि उसके तदफीन में हिस्सा लेना, उसके नमाज जनाजा में शिरकत करना हमारी एक ड्यूटी है, हमारी एक जिम्मेदारी है। लेकिन उन लोगों के लिए ये एक ड्यूटी है, लेकिन ये ड्यूटी उन लोगों के लिए जो समझते हैं, जो इस इंसान समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है, हम पर अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अल्लाह ताला ने जो हमारे हुकूक के लिए बात है उनमें से ये एक हकूक है, फ़र्ज़ किफ़ाया जिसे कहा जाता है, यानी कि हमारे एक दूसरे पर जो हक है, जो हमारा एक दूसरे पर फ़र्ज़ है हमसाया होने के, इंसानियत के नाते हमसाया होने के नाते, तो ये उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं, जिनको इतना शऊर है। बिलीवर ओज टू अनदर यानी कि जो लोग एक दूसरे पर एक दूसरे का हक समझते हैं उन लोगों के लिए एक जिम्मेदारी, जो नहीं समझता वो अलग सामने गुनाहगार है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टूडेज टॉपिक फ्यूनरल प्रेयर। ओके, नाउ हाउ टू परफॉर्म सलातुल जनाजा, ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पहले क्या फर्स्ट सलात, ये आप सब लोग फर्स्ट तकबीर, सेकेंड तकबीर, थर्ड तकबीर, फोर्थ एंड आफ्टर दैट फर्स्ट सलाम एंड द सेकेंड सलाम, ये सारा प्रोसीजर है नमाज जनाजा का। ओके, आप लोगों को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आई होप बॉयज़ को तो मे बी होगी, किसी का उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की होगी, लेकिन आई रियली होप कि अब गर्ल्स को भी सारी अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूनरल प्रेयर आपको अच्छी तरह हो गई। ओके, अगेन एक्सरसाइज इज You can get the exercise in your summer bag. You have already done the exercise in your daily basis diary. Okay? आप लोग पास डिटेल में सारी डायरी है, आप लोगों ने सारा फोकस आपने समर पैक पे रखना है, उसमें सारी डिटेल्स हैं, आप लोगों ने समर पैक से ही अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।